हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सूरज कुमार तिवारी। आपको स्वागत है जय हो फैंटेसी चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं MINY वर्सेस SCO का 15 T20 मैच के बारे में। डेट एंड टाइम के बारे में बात करिए तो ये कल रात को 2:30 को मैच स्टार्ट होगा। वेन्यू के बारे में बात करिए, जज स्ट्रेंथ पार्क मोर्शावली USA में खेला जाएगा। मैं आपको हेड टू हेड टीम फॉर्म और हर प्लेयर का लास्ट 5 मैचेस का स्टैट्स भी एक्सप्लेन करूंगा। अब 100% ग्रैंडली में भी मनी इजिली सेंड करेंगे, स्मॉल टीम में भी मनी इजिली सेंड करेंगे। पहले हेड टू हेड के बारे में बात करें, अब तक MINY वर्सेस SCO का एक मैचेस भी नहीं हुआ है। मैं आपको हेड टू हेड भी एक्सप्लेन करते हैं और टीम फॉर्म के बारे में बात करें। टीम फॉर्म में देखा जाए तो MINY ने लास्ट 4 मैचेस में 2 लॉसेस हुए और 2 विन हुए हैं, और SCO ने लास्ट 4 मैचेस में 3 विन हुआ और 1 लॉस हुआ है। पिच के बारे में बात करते हैं, पिच बैटिंग के लिए अच्छे सपोर्ट करेंगे, और एवरेज स्कोर के बारे में बात करते हैं 170 से 180 के बीच में स्कोर बनेगा, और ये पिच फास्ट बॉलिंग के लिए अच्छे सपोर्ट करेंगे। इस पिच में टोटल 64 विकेट्स मिले, उसमें फास्ट बॉलर्स को 41 विकेट्स और स्पिनर्स को 23 विकेट्स मिले। मैं आपको टीम फॉर्म भी एक्सप्लेन करता हूँ। अब इस पिच का T20 रिकॉर्ड्स के बारे में बात करते हैं। इस पिच में टोटल T20 मैचेस 5 मैचेस के लिए, फर्स्ट बैटिंग कर लो टीम 1 बार जीता, सेकंड बैटिंग कर लो टीम 4 बार जीता। और हाई स्कोर के बारे में बात करते हैं, इस पिच में हाई स्कोर WAF ने मारा था 177 रन्स उनका खिलाफ LAKR के खिलाफ। और लो स्कोर के बारे में बात करें, लो स्कोर में 103 रन्स पर ऑल आउट हो गए थे SFU WAF के खिलाफ। मैं आपको इस पिच का T20 का रिकॉर्ड्स के बारे में भी एक्सप्लेन करता हूँ। हर प्लेयर का मैं लास्ट 5 मैचेस का स्टैट्स भी एक्सप्लेन करूंगा। आप 100% ग्रैनिटी में भी मनी इजीली सेंड करेंगे और स्मॉल टीम में भी मनी इजीली सेंड करेंगे। पहले विकेट कीपर्स में देखा जाए तो मैंने 2 विकेट कीपर को पिक किया, निकोलस पुरन को और क्लेसकन को। ये दोनों विकेटकीपर कमाल के विकेटकीपर बैट्समैन से, दोनों विकेटकीपर को 100% पिक किया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विकेटकीपर बैट्समैन। निकोलस पुरन ने लास्ट में 62 रन्स मारे, लास्ट उसने 19, तीसरे मुझे 38, चौथे मैच 40, लास्ट पांच मैच 14 रन मारे। कमाल का विकेट कीपर बैट्समैन निकोलस पुरन को 100% पिक किया। क्लेसकन ने लास्ट मैच 25, लास्ट उसमें 42, तीसरा मैच 53, चौथे मैच 1 और लास्ट पांच मैच 18 रन मारे। ये दोनों विकेट कमाल का विकेट कीपिंग कर, कमाल का बैटिंग भी कर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विकेट कीपर बैट्समैन। अब ये दोनों को ग्रैंडली टीम और स्मॉल टीम में भी कप्तान विस्कटम में ट्राई कर सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विकेट कीपर बैट्समैन, हर मैच में 30-40 रन मारे थे। दोनों विकेट कीपर कमाल का विकेट कीपर बैट्समैन है। अब बैट्समैन में देखा जाए तो मैं 3 बैट्समैन को पिक, केनल पोलार्ड को, टीम डेविड को, SJ सूर्या को। ये तीनों बैट्समैन भी कमाल का बैट्समैन है। पोलार्ड ने लास्ट मैच 21 रन मारा, लास्ट उसमें डकआउट हो गया, तीसरे मैच 5, चौथे मैच 48 और लास्ट पांच मैच 19 रन मारे। केनल पोलार्ड भी एक इंपॉर्टेंट ऑलराउंडर की तरह खेलते, बॉलिंग भी कमाल का करते, बैटिंग भी कमाल करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बैट्समैन है पोलार्ड, और उनका साथ साथ बॉलिंग भी कमाल का करता है। टीम डेविड के बारे में बात करें, टीम डेविड को लास्ट मैच बैटिंग में भी चांस नहीं मिला था, लास्ट मैच में 24, तीसरे मैच 48, चौथे मैच 53, लास्ट मैच में 2 रन पाए। टीम डेविड भी कमाल का फिनिशर है, इनको भी 100% पिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बैट्समैन है। और SJ सूर्या के बारे में बात करते, SJ सूर्या ने लास्ट मैच 60, लास्ट मैच बैटिंग में चांस नहीं मिला था, लास्ट तीसरे मैच 33, चौथे मैच में 6 और पांचवें मैच 21 रन पाए। मैंने बैट्समैन पर 3 बैट्समैन को पिक किया, तीनों बैट्समैन कमाल का बैट्समैन से, तीनों बैट्समैन को 100% पिक किया। मैं तीनों बैट्समैन का स्टैट्स भी बता दिया, तीनों बैट्समैन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बैट्समैन है। अब ये तीनों बैट्समैन को 100% पिक कर लेना, मैं तीनों बैट्समैन का स्टैट्स भी बता दिया, ये तीनों बैट्समैन बेस्ट बैट्समैन है। अब ऑलराउंडर को बताने से पहले मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। अगर बाई मिस्टेक डिस्क्रिप्शन से मेरे टेलीग्राम चैनल शो नहीं होता तो टेलीग्राम में जाके इस तरह सर्च करते ही मेरे टेलीग्राम चैनल शो हो जाएगा। कुछ बंदे ने मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम से फेक अकाउंट बनाया, इस दोनों अकाउंट को भूल से भी ज्वाइन मत करना। आप कोई फेक टीम देख रही, फेक अकाउंट भी है जिसमें आपको 1434 सब्सक्राइबर्स दिखाई दे रहा है, जिसमें आपको 1400+ सब्सक्राइबर्स दिखाई दे रहे हैं, उसी पर आप ज्वाइन कर लेना। आप 100% ग्रैंडली में भी मनी इजीली सेंड करेंगे और स्मॉल टीम में भी मनी इजीली सेंड करेंगे। मैं आपको 3 ऐप प्रोवाइड करूंगा, सब 100% मनी इजीली सेंड करेंगे। पहला वाला है विजन लेवल 100% मनी इजीली सेंड कर सकते हैं, कमाल का है विजन लेवल। आपको डेली 1 या 2 फ्री एंट्री मिलेगा, आप 100% मनी इजीली सेंड करेंगे, कमाल का है विजन लेवल। और दूसरा वाला माई मास्टर लेवल 100% मनी का साथ साथ आप ऑफर्स भी जीतेंगे, क्योंकि इसमें लो कॉम्पिटिशन। आप 100% माई मास्टर मनी भी मनी से इजीली सेंड करेंगे, साथ साथ ऑफर्स भी जीतेंगे। आपको माई मास्टर में डेली 1 या 2 फ्री एंट्री भी मिलेंगे। और तीसरा वाला कुबेरा में अगर आप DU का टीम में खेलेंगे तो 100% मनी इजीली सेंड करेंगे, क्योंकि इसमें आपको एक ही प्लेयर को सिलेक्ट करना। मैं आपको एक प्लेयर को सिलेक्ट करके दे दूंगा, अगर कुबेरा में DU का टीम में खेलेंगे तो 100% मनी इजीली सेंड करेंगे। मतलब तीनों ऐप में मनी इजीली सेंड कर रहा हूँ, आपको भी तीनों ऐप में मनी इजीली सेंड कर रहा हूँ। तुरंत लिंक से डाउनलोड कर, तीनों ऐप का लिंक मैं टेलीग्राम चैनल प्रोवाइड कर, जाकर डाउनलोड कर लीजिए। आप 100% तीनों ऐप में मनी इजीली से सेंड करेंगे। आप ऑलराउंडर्स में देखकर मैं 3 ऑलराउंडर्स को पिक, रशीद खान, इमरान वसीम को और हर्ष सिंह को। ये तीनों ऑलराउंडर्स कमाल का ऑलराउंडर्स
रशभ पे तीनों ऑलराउंडर्स को 100% पिक करें। ये तीनों ऑलराउंडर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑलराउंडर्स है। राशिद खान ने लास्ट मैच एक विकेट लिया, लास्ट मैच में 13 रन प्लस 1 विकेट लिया, तीसरे मैच 6 रन प्लस 1 विकेट, चौथे मैच 3 रन प्लस 1 विकेट लिया, लास्ट मैच में 6 रन प्लस 2 विकेट लिया। राशिद खान भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बॉलिंग ऑलराउंडर है, अब राशिद खान को भी 100% पिक करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्पिनर है। और इमाद वसीम के बारे में बात की, इमाद वसीम लास्ट मैच 19 रन प्लस 1 विकेट, दूसरे मैच में 1 विकेट लिया, तीसरे मैच 2 विकेट, चौथे मैच 43 रन प्लस 1 विकेट, लास्ट मैच में 31 रन प्लस 2 विकेट लिया। इमाद वसीम भी कमाल का ऑलराउंडर, बैटिंग भी कमाल का करता है, बॉलिंग भी कमाल का करता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑलराउंडर है। और हेज सिंह के बारे में बात किया, हेज सिंह ने लास्ट मैच 1 विकेट, दूसरे मैच 0 विकेट, तीसरे मैच 1 विकेट, चौथे मैच में 2 विकेट और पांचवें मैच 10 रन प्लस 0 विकेट। हेज सिंह भी इंपॉर्टेंट बॉलिंग ऑलराउंडर है। मैंने ऑलराउंडर्स पे तीन ऑलराउंडर्स को पिक किया, तीनों ऑलराउंडर्स कमाल का ऑलराउंडर्स है, तीनों ऑलराउंडर्स को 100% पिक करना। मैं तीनों ऑलराउंडर का स्टैट्स भी बता दिए, तीनों ऑलराउंडर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑलराउंडर्स है। अब बॉलर्स, बॉलर्स में देखा जाए तो मैं तीन बॉलर्स को पिक किया, ट्रेंट बोल्ट को, एंड्रयू टाई को और केशव रबाडा को। ये तीनों बॉलर्स कमाल का बॉलर्स है, तीनों बॉलर्स को 100% पिक करना। ट्रेंट बोल्ट ने लास्ट मैच 1 विकेट लिया, दूसरे मैच 2 विकेट, तीसरे मैच 2 विकेट, चौथे मैच 2 विकेट और पांचवें मैच 1 विकेट। ट्रेंट बोल्ट को हर मैच 2-3 विकेट मिल रहे, इनको आप ग्रैंड लीग टीम में भी कप्तान वाइस कैप्टन में ट्राई कर सकते हैं। और एंड्रयू टाई को भी ट्राई कर सकते हैं, हर मैच टाई भी 2 विकेट ले रहे हैं, लास्ट मैच टाई को 2 विकेट, दूसरे मैच 2 विकेट, तीसरे मैच भी 2 विकेट, चौथे मैच 1 विकेट और पांचवें मैच 0 विकेट। कमाल का बॉलिंग कर रहे हैं। और रबाडा के बारे में बात करें, रबाडा ने लास्ट मैच 2 विकेट, दूसरे मैच भी 2 विकेट, तीसरे मैच 2 विकेट, चौथे मैच 2 विकेट, पांचवें मैच 0 विकेट। मैंने बॉलर्स में तीन बॉलर्स को पिक किया, तीनों बॉलर्स कमाल का बॉलर्स है, हर मैच में 2-3 विकेट ले रहे हैं, तीनों बॉलर्स कमाल का बॉलर्स है। अभी तीनों बॉलर्स को 100% पिक कर लेना। मैं तीनों बॉलर्स का स्टैट्स भी बता दिया, ये तीनों बॉलर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बॉलर्स है। कप्तान वाइस कप्तान के बारे में बात की जाए तो मैंने कप्तान में बनाऊंगा, मैंने कप्तान में बनाया क्लेसकन को और वाइस कप्तान में केनल पोलार्ड को। मैंने विकेट कीपर में 2 विकेट कीपर को पिक किया, बैट्समैन में 3 बैट्समैन, ऑलराउंडर्स में 3 ऑलराउंडर, बॉलर्स में 3 बॉलर्स को पिक किया। अगर कोई प्लेयर मिस होता है तो मैं आपको मैं फाइनल टीम टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करूंगा लाइनअप अनाउंस होने के बाद, इसीलिए मैं टेलीग्राम चैनल को जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर और लाल वाला घंटी को जरूर दबाना। थैंक यू।